नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं दी सड़कनामा की राजस्थान चुनाव यात्रा। और इस समय मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में, संगरिया में, और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि ये संगरिया का एक, इसको ये कह सकते हैं कि बस स्टैंड है, अड्डा है ये, जहां से डब वाली बठिंडा के लिए जो बसें हैं वो मिलती है। और क्योंकि हम लोग जब चुनावी कवरेज करते हैं तो तमाम सारे पहलू, तमाम सारे मुद्दे, लोगों के इशू, तो हम उन पे अक्सर बात करते हैं। ये स्वामी केशवानंद की शिक्षा नगरी कही जाती है। जब मैं यहाँ आया तो एक हरियाणा रोडवेज की बस है, वो यहाँ से जैसे ही बस इन सवारियों को दिखाई दी तो सारी सवारी है, वो सारे लोग हैं, तमाम सारे वो रोड के किनारे आ गए। इनको ये था कि बस है उसमें हमें सीट नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस के चालक ने यहाँ बस रोकना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि बस में इससे पहले भी काफ़ी भीड़ थी। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। स्वामी केशवानंद की शिक्षा नगरी है ये, तो कहीं ना कहीं छात्राओं की भी ये समस्याएं हैं कि उनको बस है, बस के फेरे हैं, वो राजस्थान को, सरकार को बढ़ा देने चाहिए, चाहे हम बात करें हरियाणा की या पंजाब की। तो तमाम सारे लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम आपका? रामचंद्र जी। जी, तो आप कहाँ रहते हैं? संगरिया में जी। जी, तो क्या दिक्कतें हैं संगरिया में? चुनाव आ रहा है, क्या उम्मीदें करते हैं आप? हाँ जी, बस स्टैंड बनाना चाहिए, बैठने वास्ते जगह बनानी चाहिए जी, ना बना बस स्टैंड, बैठने के लिए तो होवे, खड़े हैं एक घंटे से। अभी बस आई थी, बस रुकी नहीं? बस रुकी नहीं जी, बस बीच में भीड़ थी, क्या करे वो भी, क्या करे, बस ऐसी बस का अड्डा बनाना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह जी। तो आपका कौन सा गाँव है संगरिया के रहने वाले? भक्तपुरा है जी, मैं संगरिया में रह रहा हूँ फिलहाल जी। तो क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ जो अंडरपास पास होएगा, 5 साल हो गए अभी तक बना नहीं बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस ने इसका उद्घाटन किया था और अभी तक बना नहीं। हाँ, क्योंकि तो ये दो शहरों के दो पार्ट्स को जोड़ता है, यहाँ गुरु नानक बस्ती है और कॉलेज है, उधर बस स्टैंड रह जाता है और बाजार रह जाता है, लोगों को दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कत होती है जी। तो आपकी मांग है कि यहाँ सरकार है वो अंडरपास बना देना चाहिए। हाँ जी, माता जी, क्या नाम आपका? आपका क्या नाम है? गुरदेव। अच्छा, पंजाब से हो आप? हाँ। तो बस नहीं मिली आपको? बस नहीं मिली, कितनी देर होगी आपको? पूरा घंटा हो गया जी। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि एक बस और आ चुकी है, ये लोग कह रहे हैं कि बस आ गई है। मेरे साथ एक छात्राएं हैं, मैं इससे क्या रहे सर, हमारा मेरा नाम कुशल है सर। क्या मांग है छात्राओं? बहुत दिक्कत है बच्चा, धुप्पे खड़े रहते हैं, धूड़ च खड़े रहते हैं, कि बस नहीं आती दो घंटे, हाँ फिर कदे आउंदी है बस, वो फिर जावे 10 मिनट खड़े, 20 मिनट खड़े, दो घंटे खड़े रहते हैं बच्चे। तो क्या मांग करती है आप सरकार से? आइए नहीं, गंगा गोरी वाली बस है, गंगा गोरी वाली है, कि डब वाली है, डब वाली जाने वाली है, असं मांग करते हैं कि अड्डा बनना चाहिए, छां हो, बच्चा के खड़न वास्ते जगह हो। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये एक बस आई है जिसमें महिला है वो चढ़ गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लगातार बसों के फेरे है, वो इसमें बढ़ा देने चाहिए, और क्योंकि लोग हैं वो परेशान होते हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।